अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सन वेव टोकन के रिलेटेड, जो कि आइस ब्लॉकचेन के ऊपर फर्स्ट यूटिलिटी टोकन है आइस नेटवर्क का। अभी इसकी माइनिंग जो है ना वो स्टार्टिंग पीरियड के अंदर है, अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हो रहे हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोगों ने लिंक के ऊपर जाना है, उसके बाद आप लोगों ने रेफ़र कोड जाना कॉपी करना है, नीचे आप लोगों ने प्ले स्टोर के ऊपर जाके ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपनी ईमेल लगानी है, ईमेल लगा के आप लोगों को एक ओटीपी आएगा, आप लोगों ने ओटीपी लगाना है, फिर आप लोगों ने अपना रेफ़र सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आप लोगों ने मेरा रेफरल कोड आप लोगों ने लगा के, तो आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ से आप लोगों ने जो नीचे यहाँ पर SW लिखा हुआ है, तो यहाँ पर से आपने दबा के इसकी जो है ना वो माइनिंग स्टार्ट करनी है। ये सेम लाइक बिल्कुल वैसी माइनिंग सेशन है जिस तरह से आइस नेटवर्क का था। आइस नेटवर्क का मैं थोड़ा सा आप लोगों को हवाला दे दूं, आइस नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क था जिसने लोगों को लाखों रुपए जो है ना वो दिए थे। मैं आपको अपना कुछ दिखा दूं थोड़ा सा, ये मेरे पास कुछ अभी तक एसेट्स पड़े हुए हैं उसके। ये आइस नेटवर्क था जो कि अभी ओकेक्स, KU क्वीन और इसके अलावा मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर जो है ना वो लिस्टेड है, ट्रेडिंग चल रही है इसकी। और अभी मेरे पास ये 67,000 क्वीन जो है ना ये मेरे ओकेक्स अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं, जिनकी मालियत टोटल जो है ना वो $344 हैं अभी करंट सिनेरियो में। तो ये आप भी अर्न कर सकते हैं, और ये आइस ब्लॉकचेन के ऊपर जो है ना फर्स्ट इनका जो है यूटिलिटी टोकन है, मतलब कि ये 100% वेरीफाइड जो है ना वो टोकन है। तो आप लोगों ने किसी भी सूरत में इसको मिस नहीं करना, इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करके ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करनी है और अपने रेफरल जो है ना उनको क्रिएट करना है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसका बूस्ट लगाने का जो तरीका है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप लोगों ने ये ज्वाइन करने के बाद अपना बूस्ट किस तरह से लगाना है, और अपनी जो माइनिंग स्पीड है जिस तरह से मेरा यहाँ पर अर्निंग रेट जो है ना वो 16 SW पर आवर आ रहा है, तो इसको आप बूस्ट किस तरह से करना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो नीचे यहाँ पे जहाँ से आप लोगों को माइनिंग करते हैं यहाँ पे आप इसको दबाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बूस्ट नाउ की ऑप्शन जो है ना वो दिखने को मिल रही होगी। आप लोगों ने इसके ऊपर जाना है, इसके ऊपर जाके तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल के ऊपर 204 आइस और 25% आप लोगों को जो है वो टोकन ज़्यादा मिलेंगे, और इसकी जो सेशन माइनिंग होगा वो 24 घंटे का होगा, और आप लोगों के रेफरल्स की जो लिमिट होगी वो 5 होगी। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम जो इनका जो है वो 5 लेवल तक इसका जो है ना वो आया हुआ है इंक्रीज़ जो है ना वो बूस्ट इसका, तो 5वें लेवल का जो है वो 1020 आइस है, और इसके ऊपर आप लोगों को जो स्नो टोकन जो है ना वो 125% जो है ना वो मिलेंगे, और इसका जो सेशन होगा माइनिंग सेशन जिस तरह हम लोग मुख्तलिफ जो है ना वो प्रोजेक्ट्स के अंदर कर रहे होते हैं, कुछ का 6 घंटे है, कुछ का 12 घंटे है, कुछ का 24 घंटे है, तो अगर आप लोग ये वाला बूस्ट लगा लेते हैं 5वें लेवल तक, 4थे लेवल तक जो है ना वो 48 जो है ना 3रे लेवल तक 24 घंटे है, 4थे लेवल पे और 5वें लेवल पे जो है ना वो 48 घंटे टाइम है, मतलब कि आप लोगों ने एक बार इसको चला दिया तो 48 घंटे आप लोगों को टेंशन नहीं है। और उसके अलावा नो मोर स्लैशिंग, ये स्लैशिंग क्या है, स्लैशिंग जो थी ये आइस नेटवर्क जब आया था उसके ऊपर अगर आप लोगों का कोई फ्रेंड जो है वो नहीं ऑन होता, ठीक है, अपना माइनिंग सेशन ऑन नहीं करता, तो उसकी वजह से आप लोगों की अपनी जो है ना वो टोकन जो है वो आप लोगों के कटिंग होते थे, उसको बोलते थे स्लैशिंग। तो अगर ये आप लोग लेवल जो है ना ये लगा लेते हैं तो आप लोगों की स्लैशिंग जो है ना वो भी नहीं होगी, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो 5वें लेवल के अंदर है, और उसके बाद जो तीसरी इसकी जो है ना वो आप लोगों को चौथी इसकी जो है वो जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो ये है कि आप लोगों को जो रेफरल लिमिट होगी वो 25 होगी, नहीं तो इसकी जो रेफरल लिमिट है ना वो सिर्फ 15, इससे ज़्यादा रेफरल अगर आप लोग लगाएं भी गे भी तो आप लोगों को फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसको लगाने के लिए हम लोग लगाएंगे 5वां लेवल, और 1020 जो है ना इसके लिए इसकी अमाउंट है आइस की, तो ये देखिए यूटिलिटी आइस की है, मतलब कि आइस के जितने टोकन्स भी लगेंगे इसके ऊपर वो सारे के सारे बर्न होंगे, जब बर्न होंगे तो उसका रेट जो है ना वो ऊपर जाएगा। अभी इसको एक दिन हुआ है, एक दिन होने के ऊपर आज जो है ना ये अभी तक देख रहे हैं सारा दिन ये हाई रहा है, ठीक है, 7% से तक गया है, और उसके बाद अभी थोड़ा डंप हुआ है, तो ये इसकी वजह से जो है ना ये बाकी आप मार्केट देख रहे होंगे ये जो है ना वो रेड में है, लेकिन आइस जो है ना ये ऊपर गया है सिर्फ इसी वजह से कि इसकी यूटिलिटी जो है ना वो ऑन हुई है स्नो सन वेव जो है ना टोकन के शेप में।
तो हम लोग जो है ना इसके ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको करने के लिए यहाँ पे करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ से यहाँ पे आप लोगों को जो है ना वो आपका हर अकाउंट का लहदा लहदा यहाँ पे जो है वो दिखने को मिलेगा, जो इनका होगा वॉलेट का एड्रेस जिसके ऊपर आप लोगों ने ट्रांसैक्शन करनी है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना यहाँ से आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप नीचे देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको कह रहा है ये हैव सेंट 1021.986 आइस टू द एड्रेस अबव, मतलब ऊपर वाले जो है ना वो एड्रेस के ऊपर मैंने इतनी अमाउंट सेंड किया, मतलब कि 122 एटलीस्ट आप लोगों ने इसके ऊपर सेंड करने हैं ताकि आप लोगों का ये जो है ना हो सके। उसके लिए उसके नीचे एक और उन्होंने ये नीचे कहा हुआ है कि ये जो जितने भी अकाउंट अपग्रेडेशन के अंदर जो आइस आएंगे वो सारे के सारे बर्न होंगे। तो उसके अलावा आप लोगों को इन्होंने इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन दी है कि ये जो ऊपर टाइम आ रहा है जो 28 मिनट है, ये 28 मिनट आने से कंप्लीट होने से पहले पहले आप लोगों ने इसकी जो है ना वो ट्रांसैक्शन करनी है। तो ये हम लोग कर लेते हैं कॉपी। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे ओकेक्स एक्सचेंज के ऊपर। तो अगर आप लोगों के पास यहाँ पे जो है वो पड़े हुए हैं आइस गुड नहीं है तो यहाँ से आप लोगों ने परचेज़ कर लेने हैं। परचेज़ करके तो आप लोगों ने यहाँ से इसकी जो है ना वो करना है विड्रा के ऊपर जाना। विड्रा के ऊपर जाके तो ये देखें विड्रा क्रिप्टो आ रहा है, इसके ऊपर जाना है। इसके ऊपर जाके यहाँ पे आप लोगों ने आइस को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑन चेन, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके तो यहाँ पे आप लोगों ने जो एड्रेस कॉपी किया था उसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद नीचे जो है ना विड्रावल जो नेटवर्क आ रहा होगा वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आ जाएगा, आइस का जो है ना वो इसका एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने करने हैं 1022 वो कर लेने हैं फ्रॉम जिसके ऊपर ये पड़े होंगे वहाँ से ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट जो है ना यहाँ पे इतनी हो गई कि मतलब कि ये कह रहा है कि 30 जो है वो यहाँ पे इसकी फ़ीस होगी तो 992 जो है ना वो सेंड होंगे, लेकिन हम लोगों ने कितने करने हैं 1022, तो उनको एडअप हम लोग यहाँ पर करेंगे फिर जाके जो है ना हमारे टोटल वहाँ पर जाएंगे। ये देखें अभी 30 कटिंग हो गए, मतलब कि 1050 करेंगे देन जो है ना 1022 आगे जाएंगे तो हमारा वो जो अपग्रेडेशन है वो होगी। इसको हम लोगों ने करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद आप लोगों से जो है ना वो यहाँ पे मांगेगा आपकी जो है ईमेल के ऊपर जो है ना कोड वगैरह आएगा तो उसके ऊपर जो है ना वो आप लोगों ने लगा देना है। या आपको जो है ना वो रिस्क वार्निंग दे रहा है जी कि एक बार आप लोगों के सेंड वगैरह हो गए तो उसके बाद आप लोग इसको क्लेम नहीं कर पाओगे। इसको आपने आई अंडरस्टैंड करके इसको आप कर देना है कंटिन्यू। यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने अपनी डिटेल चेक करने के बाद अगेन जो है ना कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद मेरा यहाँ पर जो है ना वो 22 की लगी हुई है तो इसलिए मेरा जो थम फिंगरप्रिंट मांगेगा। अगर आप लोगों को जो है ना वो यहाँ पर ई मेल वगैरह के ऊपर पासवर्ड OTP आएगा तो वो आप लोगों ने लगा देना। लगाने के बाद जो है ना ये आप लोगों की ट्रांजेक्शन हो जाएगी। तो ये देखें ये मेरी रिक्वेस्ट जो है ना वो सबमिट हो चुकी है, ठीक है। तो मैं अभी इसको चेक कर लेता हूँ, ये डिडक्शन भी हो गई है। यहाँ से डिडक्शन होने के बाद जो है ना हम दोबारा जाएंगे वहाँ पे आइस के अंदर तो ये लिखूँगा आई हैव सेंट, इसको कंटिन्यू करूँगा। अच्छा जी, तो जैसे ही आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से आप लोगों से जो है ना वो कन्फर्मेशन मांगेगा कि आप लोगों ने किस जो है ना वो नेटवर्क के ऊपर सेंड किए हैं और ट्रांसैक्शन हैश जो है ना वो क्या है। तो आप लोगों को जब मेल आएगी कि आप लोगों की ट्रांसैक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है तो आप लोगों ने उस मेल के ऊपर जाके उसकी डिटेल के अंदर जाना। जब डिटेल के अंदर जाएंगे तो यहाँ से आप लोगों को इसकी जो है ना वो सारी की सारी हैश की मिल जाएगी। ये BNB चेन का है, ठीक है, और ये इसके हैश है। तो ये आप लोगों ने यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर आगे आप लोगों ने यहाँ पर BNB स्मार्ट चेन को सिलेक्ट करके नीचे हैश की को जो है ना जो आपने ट्रांसैक्शन है जो है ना वो कॉपी किए होंगे वो पेस्ट कर देना और कंटिन्यू आप लोगों ने यहाँ से कर देना। तो वेरीफाइंग जो है ना वो आपको हो जाएगा। तो ये देखने सक्सेसफुली कन्फर्म्ड, तो डन आप लोगों ने कर देना। तो ये डन करने के बाद जो है ना वो हमारा जो है ये देखें ये बढ़ गया, जो हमारा पारावर था ये पहले कितना था 16 आ रहा था, अब कितना आ रहा है 180, मतलब कि हमारी जो 5वां लेवल जो है ना वो लग चुका है। तो ये सारा तरीका कर रहा है, आप लोगों ने इस मेथड को अपनाते हुए अपना अपना जो है ना लगा लेना इस तरह से और अपनी जो है ना स्पीड को आप लोगों ने कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि बूस्टर लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग लगा लेंगे तो वेरी गुड, अगर नहीं लगाएंगे तो आप विदाउट बूस्टर के भी माइनिंग कर सकेंगे। बात सिर्फ इतनी है जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। इसके मैं आप लोगों को बता दूँ तो अभी जो इसका जो है ना वो जो
अर्निंग रेट जो है ना चल रहा है पर आवर का वो 16 चल रहा है ये देखें, और 26 जून को जाके जो है ना ये 50% ऑफ होके जो है वो 8 पे रह जाना है। तो इसकी हाल्फिंग जो है ना ये कंटिन्यू होती रहनी है, तो इसकी हाल्फिंग से पहले पहले जो है ना ये आप लोग लगा लें ताकि आप लोगों को एक अच्छा जो है ना वो अर्न करने को मिल जाए। बाकी आप लोगों ने इस तरह की डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहना है, हम आपको आगाह करते रहेंगे। दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।